हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने पढ़ना है रिक्टेंगल के बारे में, ठीक है। अगर कुछ शेप हमने ड्रा करनी है, रिक्टेंगल, स्क्वायर, तो वो कैसे ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है रिक्टेंगल, आर ई सी इसकी शॉर्ट की है, आर ई सी, आर ई सी। ये देखें आपके पास रिक्टेंगल उसकी कमांड आ चुकी है। फर्स्ट पे आपने एंटर करना है, तो आपके पास कुछ इस तरह का स्टेटस बार में आ जाएगा कि स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट, ठीक है जी। तो यहाँ से भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये देखें ये जो आइकन बना हुआ है आपका रिक्टेंगल का, रिक्टेंगल कमांड आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और इसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक रिक्टेंगल है, दूसरी कौन सी है, पोलीगोन। तो आज क्यों हम सिर्फ रिक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, तो देख लेते हैं। रिक्टेंगल आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आर ई सी एंटर से भी कर सकते हैं। उसमें से हमारे पास रिक्टेंगल की मुख्तलिफ टाइप्स, मुख्तलिफ मेथड्स आ जाते हैं रिक्टेंगल को बनाने के, स्क्वायर को बनाने के, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहे हैं, हम इस मेथड को देखते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, कि आप उसका स्पेसिफाई करें कि आपने किस जगह से अपना स्टार्ट करना है। उसका कोई भी आप कॉर्नर दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं, किसी जगह से भी आप उसको कॉर्नर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फर्ज कर लें कि मैंने इस पॉइंट से कॉर्नर अपना स्पेसिफाई कर लिया। अब यहाँ से देखें कि वो नीचे वाली चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। क्या कह रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, कि आप उसको दूसरा जो पॉइंट है कॉर्नर, जो जिस जगह जितना आपने बनाना है आप उसको वो डिफाइन कर लेंगे। और उसके अलावा हमारे पास एरिया, डिमेंशन और रोटेशन है, तीन मेथड्स आ चुके हैं। तो पहले हम लोग इसको फ्री हैंड कर लेते हैं कि मैंने इसको कोई भी पॉइंट दे देता हूँ। ये देखें मेरे पास एक रिक्टेंगल की फॉर्म बन चुकी है, दोबारा मैं लेता हूँ। और इसी तरह हम लोग अगर उसको इक्वल साइज़ की कोशिश करेंगे तो ये मेरे पास एक स्क्वायर शेप फ्री हैंड में बन चुकी है, क्लियर है। ये तो हमारे पास है कि हम बगैर मेजरमेंट के कुछ ड्रा करना चाहते हैं तो हम उसको ड्रा कर सकते हैं। मैं इनको डेल कर देता हूँ, दोबारा रिक्टेंगल कमांड लेता हूँ, आर ई सी एंटर, ठीक है जी। स्पेसिफाई मैं कर लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद अब मैंने प्रॉपर मेजरमेंट के साथ क्या करना है, अपना एक जो स्क्वायर है या रिक्टेंगल है उसको ड्रा करना है। तो उसके लिए हम लोग ये नीचे तीन ऑप्शन है हमारे पास, एरिया की मदद से, डिमेंशन की मदद से, रोटेशन की मदद से। पहले मैं आप लोगों को डिमेंशन का बता देता हूँ, उसके बाद एरिया और फिर रोटेशन का बताऊँगा। डिमेंशन पर क्लिक करता हूँ, अगर हम लोग आप डी एंटर करेंगे या इस जो डिमेंशन है हमारे पास इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा स्पेसिफाई, पूछेगा कि स्पेसिफाई लेंथ फॉर रिक्टेंगल, कि आप जो रिक्टेंगल बना रहे हैं उसकी लेंथ कितनी रखना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि मैं उसको कितनी लेंथ रखना चाहता हूँ, 10 फीट, ठीक है जी। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई विड्थ फॉर रिक्टेंगल, कि आप जो रिक्टेंगल बना रहे हैं उसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं उसको स्पेसिफाई कर देता हूँ, अगर तुम मुझे स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर, स्क्वायर की क्या होती हैं, चारों साइडें हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और रिक्टेंगल की क्या होती हैं, कि जो उसकी सामने वाली साइडें होती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं, यानी कि उसको अपोजिट साइड होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। तो मैं पहले आपको स्क्वायर बनाना बता देता हूँ कि हमने लेंथ कितनी रखी थी, 10, और हम उसकी विड्थ भी कितनी रख देते हैं, 10 फीट, और एंटर कर देते हैं। ये देखें हमारे पास एक स्क्वायर बन चुका है, लेकिन स्क्वायर अब क्या है कि वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन, हम जिस डायरेक्शन में उस पॉइंट से, हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ था जिसके गिर्द वो घूम रहा है ये पॉइंट, अब देखें वो इस तरफ ही जा रहा है। तो आपने उसको डायरेक्शन दे देनी है कि आपने किस तरफ उसको अपने स्क्वायर को इस पॉइंट से रखना है। तो मैंने इस पॉइंट से उसको ये बॉटम की तरफ रखना चाहता हूँ, राइट बॉटम की तरफ। तो मैं यहाँ पर साइड पर कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ, ये देखें मेरी वो कमांड क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे पास एक स्क्वायर बन चुके हैं, मैं इसका साइज़ चेक कर लेता हूँ। तो हमने सिंपल जो पहला डिमेंशन का देखा, मैट्रिक्स की सेटिंग तो की हुई है, तो डिमेंशन में से सबसे पहले लीनियर डिमेंशन को यहाँ से उसके आइकन की मदद से ले लेते हैं। और मैं इसको उसके एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक क्या कर लेता हूँ, मेजर कर लेता हूँ। तो ये देखें कि मेरे पास उसी साइज़ का आ रहा है। अभी मैं इसकी थोड़ी सी जो इसकी है हाइट है वो भी देख लेता हूँ, या विड्थ कह लें उसको या लेंथ कह लें, ठीक है जी, क्योंकि चारों तरफ से वो सेम ही होगा। ये देख लें जी, दोनों तरफ से हमारे पास 10 बाय 10 फीट का एक स्क्वायर बन चुका है, बिल्कुल एक सिंपल वे के साथ। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, जो इसके साथ एक रिक्टेंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हम रिक्टेंगल बना लेते हैं। तो दोबारा हम लोग उसी वही कमांड यूज़ करते हैं, आर ई सी, और क्या कर देते हैं उसको एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं उसको कोई भी पॉइंट, मैंने ये पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, उसको
डिमेंशन के ऊपर या डी एंटर कर दूंगा। ये देखो मैं डी एंटर करूंगा तो मेरे पास वही आ जाएगा, आपने उसको लेंथ और विड्थ देनी है। तो लेंथ हम कितनी रख लेते हैं, हम उसको 15 रख लेते हैं जी, ठीक है 15 फीट। और विड्थ कितनी रख लेते हैं, 10 फीट। और क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ये देखें हमारे पास एक रिक्टेंगल बन चुका है, लेकिन अभी इसी का भी वही है कि आप उसको किस डायरेक्शन दे, कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहते हैं। तो मैं इसको भी बॉटम राइट की तरफ यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें मेरे पास वो साइज़ रिक्टेंगल आ चुका है। अब देखें कि स्केयर में हमारे पास जो चारों साइडें थी वो क्या थी, सेम थी। रिक्टेंगल में क्या है कि जो उसकी अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, आपस में सेम है। तो मैं इसका भी आपको साइज़ लेकर दिखा देता हूँ कि हमने इसका कितनी लेंथ कितनी रखी थी, 15 फीट, ठीक है जी। और इसकी जो विड्थ थी वो हमने कितनी रखी थी, 10 फीट। ये देखें हमारे पास उस तरह साइज़ आ चुका है, जो भी आपने साइज़ उसको प्रॉपर रखा होगा। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास रिक्टेंगल कमांड में यूज़ होता है वो होता है डिमेंशन के साथ। हम जो अपना रिक्टेंगल ड्रा करते हैं किसके साथ करते हैं, डिमेंशन के साथ। लेकिन इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। अब मैं दोबारा रिक्टेंगल कमांड लेता हूँ, आर ई सी एंटर, और यहाँ से मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं एरिया की तरफ। तो हमने अगर एरिया की मदद से अपना कोई रिक्टेंगल बनाना है कि हमारे पास एरिया है, तो हम उसको रिक्टेंगल की सूरत में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम सिंपल देख लेते हैं कि ए एंटर करेंगे या यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब मेरे पास देखें नीचे इसकी आपने ये चीज़ लाजमन इसको रीड करना है, एंटर एरिया ऑफ रिक्टेंगल इन स्केयर इंचज। वो किस में आपने देना है कि स्केयर इंचज में देनी है आपने वैल्यू। तो आपने फ़र्ज़ कर लिया कि हम उसको स्केयर इंचज कितने दे देते हैं, मैं उसको 2000, और अब इंचज का साइन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल इसको क्या कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ये मेरे पास स्केयर इंचज हैं, कितने, 2000 स्केयर इंचज। अब यहाँ से मुझसे पूछ रहा है कि आपने उसको जो डिमेंशन है उसकी डिमेंशन बेस उसका साइज़ देना है, आपने उसको लेंथ देनी है या विड्थ देनी है। तो मैं उसको लेंथ दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, लेंथ दे देता हूँ। और जहाँ से पूछ रहा है कि आपने लेंथ कितनी देनी है, आप एल एंटर भी कर सकते थे और इस तरह उसको जाके ऊपर से क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि जो मैंने इसको जो लेंथ देनी है वो मैंने देनी है 10 फीट। अब ये देखें यहाँ वहाँ पे आपको जो 2000 वैल्यू ऐड किया है जो स्केयर इंचज में था, उसके ऊपर आपको बाय डिफ़ॉल्ट में जो उसकी प्रीवियस कमांड की है वहाँ पर इंचज शो नहीं था करवा रहा, सॉरी फीट शो नहीं था करवा रहा। तो यहाँ पर हम इसको फीट में वैल्यू देते हैं, मैंने 10 फीट और क्या कर दिया, एंटर कर दिया। उसने खुद ही कवर किया है, खुद ही उस चीज़ को कंपोज किया एरिया को, और उसने ये एरिया बना के आपको दे दिया। इसके अंदर जब एरिया जितना भी होगा वो आपका कितना होगा, 2000 इंचीज स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंचीज, सॉरी 2000 स्क्वायर इंचीज होगा एरिया, ठीक है। उसने आपको एरिया के हिसाब से आपने कहा था कि इतना मेरे पास एरिया है और इतनी लेंथ के अंदर उसको आप डिस्क्राइब कर दें, तो उसने उस हिसाब से उसको कंपोज करके आपके सामने वो एरिया आपको दे दिया कि अगर आप उसकी लेंथ 10 रखें तो आपकी जो विड्थ है वो इतनी होगी, ठीक है जी। तो इसके बाद दोबारा हम लोग उसको तीसरा देखते हैं, रिक्टेंगल आर ई सी एंटर। फिर स्पेसिफाई हमने कर लिया, हमने कोई भी पॉइंट एक स्पेसिफाई कर लिया। अब हमारे पास तीसरा कौन सा आ रहा था, मेथड रोटेशन का, कौन सा आ रहा था, रोटेशन का। हम आर एंटर कर सकते हैं या यहाँ से रोटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें कि आप उसको अपने एंगल को रोटेट भी कर सकते हैं। वो यहाँ से पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, तो हमने रोटेशन एंगल कितना देना है, फ़र्ज़ कर लें मैं इसको दे देता हूँ कितना, 45 का। इसके साथ कोई सिंबल आपने नहीं लगाना, सिंपल आप क्या लिखेंगे, 45। अब ये देखें कि वो आपका जिस तरह भी बनेगा उस पॉइंट से 45 के एंगल पर बनेगा। तो यहाँ से फिर वो तीनों आपके पास ऑप्शन आ गई हैं कि आपने एरिया की मदद से बनाना है, डिमेंशन की मदद से या रोटेशन की मदद से। तो हम क्या करते हैं, हम डिमेंशन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से इसको लेंथ कितनी दे देते हैं, 15 फीट एंटर, और विड्थ कितनी दे देते हैं, 10 फीट एंटर। तो ये देखें कि आपके पास उसी तरह का एक रेक्टेंगल सेम वैसा ही है जैसा ये था, लेकिन किस पे, एक एंगल के ऊपर है। तो आप कोई भी इसको एंगल स्पेसिफिक कर सकते हैं कहाँ से लेके। आपके टोटल हमारे एंगल कितने होते हैं, 360। टोटल एंगल कितने होते हैं, 360। तो कोई भी 360 एंगल आप उसको में से कोई भी आप एंगल उसको दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको क्या दिया था, 45। अब डायरेक्शन पूछ रहा है तो मैं डायरेक्शन इसको
इसी तरफ डायरेक्शन दे देता हूँ, तो ये देखेंगे मेरे पास उसी एंगल के साथ वो एक रिक्टेंगल बन चुका है। एंगल के बारे में मज़ीद हम लोग आगे जाके इसकी डिटेल के बारे में, लाइन के एंगल या बाकी एंगल्स कितने होते हैं, वो सारे एंगल्स के बारे में डिटेल के साथ एक लेक्चर होगा, उसमें मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपने सिंपल क्या देख लिया कि तीन मेथड के साथ आपने रिक्टेंगल ड्रा कर लिए। फिर कुछ और नीचे आ रहे थे हमारे पास, रिक्टेंगल का कमांड लेते हैं जो सबसे पहले हमारे पास आते हैं। मैंने आर ई सी एंटर किया तो यहाँ से चैम्फर आ जाता है, एलिवेशन आ जाता है, फिलेट आ जाता है, थिकनेस आ जाता है, ये क्या चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ से स्पेसिफाई नहीं करता, मैं पहले क्या कर लेता हूँ, चैम्फर पे आ जाता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझसे पूछता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। चैम्फर क्या होता है कि आपका जो रेक्टेंगल है आपने उसको किसी चीज़ के एक एंगल के साथ एक उसको टेपर करना है, थोड़ा सा उसकी कटिंग करनी है। जैसे मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, उसके बाद दोबारा हम लोग देखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो मैं फ़र्ज़ कर लें कि चैम्फर डिस्टेंस कितना दे देता हूँ, जो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस है 1 फीट दे देता हूँ, एंटर किया। सेकंड चैम्फर डिस्टेंस मैं उसको 2 फीट दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ये मैंने उसकी चैम्फर्स की वैल्यू ऐड कर दी है, तो दोबारा मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पे वही जो स्टार्ट में हमने कमांड ली थी तो हमारे पास आया था कि आपने स्पेसिफाई करना है या क्या करना है। तो अब यहाँ से मैं एक एंगल फ्री हैंड ड्रा कर लेता हूँ, फर्स्ट उसको लेता हूँ। अब ये देखें हमारे पास ये साइडों पे इसके जो एजिज़ हैं वो थोड़े से टेपर हैं। हमने फर्स्ट क्या रखा था, फर्स्ट क्या रखा था, फर्स्ट 1 और सेकंड क्या रखा था। अब देखें उसने एक साइड से कितना लिया हुआ है, उसको 1 इंच तक लिया हुआ है, 1 इंच था, 1 फीट था, 1 फीट। तो इस तरफ से उसने कितना लिया हुआ है, 1 फीट तक। और इस तरफ से जो सेकंड उसने पॉइंट है वो कितना लिया हुआ है, उसने 2 फीट पर जाकर उसको क्या किया हुआ है, कट किया हुआ है। तो इस तरह की अगर आपने कोई ड्राइंग बनानी है। अभी एक और यहाँ पर चीज़ देखनी है, ये देखें अब मैंने उसको फ्री हैंड किया लेकिन वो बार बार एंगल आ रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि जब आपने एक दफ़ा यहाँ पे इसको रोटेशन के साथ बना लिया, स्पेसिफिक कर लिया रोटेशन के साथ बना लिया है, तो दोबारा आप जब नेक्स्ट टाइम आप स्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो वो जो पीछे आपने एंगल सेट किया होगा उसी एंगल की के हिसाब से उसको ड्रा करेगा। तो आपने क्या कर लेना, यहाँ रोटेशन पर जाना है और यहाँ पर देखें 45 आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, आपने इसको ज़ीरो कर लेना है। ये देखें ज़ीरो किया तो आपके पास स्ट्रेट आना शुरू हो गया, ठीक है जी बेटा, ज़ीरो करेंगे और उसके बाद आपका ये स्ट्रेट हो जाएगा। मैं चलें इसको कंट्रोल ए करता हूँ, ये सारे डेल कर देता हूँ। दोबारा देखते हैं चैम्फर को, आपको आइडिया आ गया कि चैम्फर होता किस तरह है, ठीक है। तो दोबारा इसको एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। आर ई सी एंटर किया, यहाँ से हमने पहले चैम्फर सेलेक्ट किया, तो मुझसे पूछने लग गया कि आपने जो पहली लाइन से आपने कट लेना है तो कितने डिस्टेंस पे लेना है, आपके कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे, किस जगह से डिस्टेंस होगा वो कॉर्नर से लेके। तो हमने फर्स्ट कर लिया, कब इसको थोड़ा सा कम दे देते हैं, फर्स्ट को मैंने 6 इंचज़ दे दिया, सेकेंड को मैंने कितना दे दिया, 1 फीट। सेकेंड को अगर सेम भी आप दे सकते हैं तो वो फिर इक्वल उसको उसकी कटिंग करेगा, तो मैंने इसको 1 फीट दे दिया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्पेसिफाई पॉइंट करता हूँ और प्रॉपर अपने डिमेंशन के साथ एक साइज़ के साथ उसको बनाता हूँ। तो फ़र्ज़ कर लें कि मैंने जो लेंथ थी मेरी इसको मैं 15 ही रहने देता हूँ और जो विड्थ है उसको भी 10 फीट रहने देता हूँ। ये देखें जी हमारे पास क्या आ चुके, वो चैम्फर उस हिसाब से बन चुके। मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करके बता देता हूँ, ये देखें कि अगर मैं यहाँ से डिमेंशन लूँ तो इसका टोटल साइज़ कितना होगा, यहाँ से लेके इस पॉइंट से इसके इस पॉइंट तक टोटल कितना हमने साइज़ दिया था, लेंथ कितनी दी थी, 15 दी थी। अगर हम लोग अपना साइज़ देख लें यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं रेफरेंस की मदद से लगा देता हूँ, ये कितना है हमारे पास, 1 फीट। और मैं दूसरी साइड से देखता हूँ कि हमारे पास इस पॉइंट का कितना था, ठीक है जी, ये थोड़ा साइज़ बड़ा है इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा आ रहा है। क्लियर हो गया कि हमने फर्स्ट जो लिया था वो कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हमारे पास है, 6 इंच है, और जो सेकंड हमने लिया था वो कितना हमारे पास, 1 फीट है। इसी तरह ये होगा, इस तरफ से आपका 6 इंच है और इस तरफ से 1 फीट है, इसी तरह आपका इस तरफ से 6 इंच है और इस तरफ से 1 फीट, 6 इंच और 1 फीट, ठीक है जी। फिर यहाँ से 6 इंच और 1 फीट, ठीक है जी।
चैम्फर अगर आपने करना है, आपने किसी चीज़ को, किसी ट्राइंगल को, किसी शेप को टेपर करना है, हमारे पास वैसे भी क्वांड होती है, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो रिक्टेंगल या स्केयर बना रहे हैं वो पहले से ही आपका चैम्फर हो, तो आप इस तरह उसके चैम्फर की सेटिंग करके उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं कंट्रोल ए करता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, डेल कर देता हूँ। और मैं दोबारा आर ई सी लेता हूँ और यहाँ से एलिवेशन, अभी आप इसको स्किप करें, फिलेट पे आ जाते हैं। आपने फिलेट कमांड ली, फिलेट क्या होता है कि चैम्फर आपके जो एजिस को टेपर कर रहा था, मतलब एक स्पेसिफिक एंगल पे काट रहा था, ठीक है। और जो फिलेट आपके क्या करेगा कि आपके जो उसके कॉर्नर होंगे उनको राउंड में करेगा, ठीक है। तो किसी चीज़ को भी हमने राउंड में करना हो तो उसके लिए क्या देते हैं, उसका रेडियस देते हैं। तो मैं फिलेट सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए मुझसे पूछने लग गया कि स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रिक्टेंगल। तो हम फर्ज कर लें कि यहाँ से 1 फीट कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 1 फीट, हमने इसको 1 फीट का रेडियस दे दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोग दोबारा जाकर उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, और इस तरह ड्रा कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास जो एजिज आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, फिलेट हो रहे हैं, राउंड में आ रहे हैं। तो अगर आपने किसी के एजिज राउंड बनाने हैं तो आप लोग क्या करेंगे, उसको फिलेट कर लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी आर ई सी, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगर हमने अपनी किसी जो ये जो हमारे पास है इसको थिकनेस देनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको थिकनेस पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी की थिकनेस दे देते हैं। तो मैं थिकनेस भी कितनी दे देता हूँ, 1 फीट, एंटर। और यहाँ से मैं इसके पास करके एक और बना लेता हूँ, देखेंगे वो हमारे पास जब तक हम उसको ज़ीरो नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप में बनाएगा, ये देखें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ना उसकी थिकनेस शो हो रही है। फिर मैं एक और बना के आपको दोनों का इकट्ठा शो करवा देता हूँ, आर ई सी, एंटर। और लास्ट में हमारे पास क्या है, विड्थ, क्या आ रही है, विड्थ। और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, एक और इसके पास, एक मिनट, हमने विड्थ उसको दी नहीं थी, आर ई सी, एंटर, क्या हो रहा है जी, आर ई सी, एंटर, ठीक है जी। यहाँ पे हम विड्थ पे आते हैं, तो यहाँ पहले विड्थ स्पेसिफाई करेंगे तो विड्थ देगा ना, तो विड्थ भी कितनी रख देते हैं, 1 फीट, ठीक है जी। मैं इसके पास एक और क्या कर लेता हूँ, फ्री हैंड ही रिक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ये देखें तो उसने उस लाइन की विड्थ को इनक्रीज़ कर दी है। लेकिन अब ये जो हमारे पास है ये विजिबल नहीं है, ये नज़र नहीं आ रहा, ये क्या था, थिकनेस थी। तो हम लोग उसकी थिकनेस देखने के लिए थोड़ा सा इसको अपने रोटेट करते हैं, ये देखें, ये देखें, तो उसकी थिकनेस आ चुकी है आपके रिक्टेंगल की। और यहाँ पे क्या आ चुका है, आपकी थिकनेस भी आ चुकी है और उसकी विड्थ भी आ चुकी है, ठीक है जी। इसका काम हमारे पास कम होता है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अब अगर आपका यहाँ से घूम चुम गया तो आपने यहाँ पे कस्टम व्यू पे आना है और सिंपल टॉप पे कर देना है, ठीक हो गया जी। ये जो 3, 4, 5 तरीके हैं हमारे पास रिक्टेंगल में, रिक्टेंगल बनाने के और रिक्टेंगल को मॉडिफाई करने के, ये क्लियर है बेटा। थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं, कौन कौन सा था, रिक्टेंगल अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास उसको मॉडिफाई चैम्फर से कर सकते हैं, एलिवेशन से जो अभी हमने स्किप किया है, फिलेट के साथ, थिकनेस के साथ और विड्थ के साथ, ठीक है। और बना किस किस मेथड से सकते हैं, हमने स्पेसिफिक किया तो हमारे पास कौन सा है, रिक्टेंगल है, डिमेंशन है और रोटेशन है। अब देखेंगे मैं जितनी दफ़ा रिक्टेंगल, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, उसकी वो थिकनेस और विड्थ आ रही होगी। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो परेशान नहीं होना, आपने सिंपल उसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर उसकी विड्थ पे जाएँ, विड्थ को कितना कर दें, 0, एंटर कर दें। थिकनेस पे जाएँ, थिकनेस कितनी कर दें, 0, एंटर कर दें। और फिलेट पे जाएँ और फिलेट को कितना कर दें, 0 कर दें, ठीक है जी। चैम्फर पे जाएँ, उसको कितना कर दें, 0 कर दें, ठीक है जी। और पॉइंट स्पेसिफाई करें, स्पेसिफाई करने के बाद अगर आपकी रोटेशन भी आना है तो आप यहाँ से रोटेशन एंगल भी जा क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। अभी तक जो आपने, हमने अभी तक किया इसके लिए रिलेटेड कोई क्वेश्चन,